केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले राज्य मंत्री कौशल किशोर ने आज पंचकुला में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर उनके सुझाव भी लिए। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन समाज की पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकार की सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और हर घर नल योजना सहित कई जन कल्याणकारी योजनाओं द्वारा लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों के अधिकारी केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को प्रभावी ढंग से और तय समयावधि में पूरा करें ताकि पात्र लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा योजनाएं लागू की गई हैं गरीबों के लिए, किसानों के लिए, रोजगार देने के लिए, बीमारों को इलाज देने के लिए आयुष्मान भारत योजना, बिजली देने के लिए सौभाग्य योजना, गैस सिलेंडर चूल्हे देने के लिए उज्ज्वला योजना, किसानों को मदद करने के लिए किसान सम्मान निधि योजना, स्वच्छ भारत मिशन, ये तमाम ऐसी योजनाएं जो गरीबों को फायदे के लिए, लाभ के लिए लगाई गई हैं और आवास देने के लिए प्रधानमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास योजना, तो उस योजनाओं के तहत उसमें क्या क्या काम हुआ है उसकी एक समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ की है। लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इनसे उनका जीवन और आसान हो गया है। सरकार के 8 साल के जो इसमें जो हमें सुविधा मिली है शौचालय की, इसमें हमें 12,000 रुपए मिले हैं और हम इस सुविधा से इतने खुश है ना कि मानो कि पहले सुबह सुबह देखो कि सुबह उठो बाहर जाओ बेटियों को भेजो, फिर सारा दिन देखते रहो कि कब शाम होगी तो हम जाएंगे, तो हमें 12,000 रुपये के लिए लाभ मिला है जिससे हमें सरकार से बहुत खुश हैं। मेरी 2 पोती हैं, दोनों पोतियों का फार्म आपकी बेटी हमारी बेटी स्कीम के तहत भरा गया है जिनका लाभ जब वो बच्ची 18 साल की होंगी तब उन बच्चियों को वो लाभ मिलेगा।